हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, क्रिसमस आ रहा है, सभी घर में बच्चे उछलते हैं कि केक मिलेगा। तो आज हम कॉफी कप केक की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे हम पेपर कप में बनाएंगे और कढ़ाई में बेक करेंगे। ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होता है और इतना फ्लफी बनता है कि आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इस कप केक को आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिए और क्रिसमस को इंजॉय कीजिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। कपकेक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा बॉल ले लेंगे। बॉल में हम डालेंगे एक कटोरी दही। तो ये हमारे घर की ताजी दही है। ध्यान रहे, केक बनाने में खट्टी दही यूज नहीं करना है। अब हम इसी दही में डालेंगे एक कटोरी पाउडर शुगर। शुगर ये नॉर्मल है, जिसे हमने पीस के छान लिया है, तो हम दही में इसे भी डाल देंगे। अब हम एक पीस की मदद से इसे अच्छे से फेंट लेंगे। दही शक्कर को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो ये 3/4 कप हम इसमें ऑयल डालेंगे। शक्कर और दही के साथ हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अपना दही, तेल, शक्कर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बोल के ऊपर एक छलनी रखेंगे। छलनी में हम डालेंगे सबसे पहले एक कटोरी मैदा। तो ये भरी हुई अपनी कटोरी है। इसी में हम डालेंगे एक कटोरी कोको पाउडर। अब हम इसे चम्मच की मदद से छान लेंगे। हम मैदे में ही डालेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। तो हम इसमें डालेंगे एक चम्मच बेकिंग पाउडर। ध्यान रहे, बेकिंग पाउडर अलग होता है और बेकिंग सोडा अलग होता है। तो यहाँ पे हम एक छोटा चम्मच लिए हैं बेकिंग सोडा। ये खाने वाला सोडा कह सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच नमक। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक साथ में छान लेंगे। ये छानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना मैदा में गुठली चाहिए ना चोको पाउडर में, और सोडा मिक्स हो जाता है अच्छे से बेकिंग पाउडर। तो ऐसे हम छान लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने झड़नी से सारे इंग्रेडिएंट्स को छान लिया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो फिर हम हिक्स ही यूज करेंगे, ऐसे आराम आराम से फेंटेंगे। एक बात का और ध्यान रखना है, कभी भी हम केक बनाएं या कप केक हो या टीम केक हो, एक ही डायरेक्शन में हमें बेटर को फेंटना है। एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए बेटर तैयार करेंगे। तो अभी अपनी बेटर जो है वो गाढ़ी है, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके दूध। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के और इसे अच्छे से फेंटेंगे। एक साथ में ज़्यादा दूध नहीं डालना है, क्योंकि हमें ज़्यादा इसे लिक्विडी नहीं करना है, एक पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए बेटर का। तो हम ऐसे थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने एक बार थोड़ा सा दूध डाल के फेंटा, फिर भी गाढ़ी लग रही है, तो हम थोड़ा दूध और डालेंगे। यानी कि हमने 2 बार करके आधी कटोरी दूध डाला है इसमें। अब हम इसे फेंट के फिर आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख लीजिए, हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए केक की। अब हम गैस की तरफ चलते हैं।
कपकेक हम कढ़ाई में बेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में नमक रख के, ये नमक जो है हमने कई बार यूज किया है बेकिंग के लिए, वही नमक है, इसके लिए इसका कलर थोड़ा ऐसा दिख रहा है। तो हम इसे 5 मिनट पहले हम इसे गर्म होने के लिए रख दिए हैं। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, अब हम इस पे रखेंगे एक प्लेट। तो आपके पास प्लेट के जगह पे कोई स्टैंड हो तो उसे भी यहाँ रख सकते हैं। अब हम उस प्लेट के ऊपर से रखेंगे एक दूसरा प्लेट और हम ढक्कन से इसे कवर कर देंगे। जब तक ये अच्छे से गर्म हो रहा है तब तक हम कप में केक का बेटर भर लेंगे। बेटर अपना तैयार है, कढ़ाई अपनी गर्म हो रही है, तो अब हम इसे एक बार और अच्छे से फेंटेंगे। वही ध्यान रखना है, एक ही डायरेक्शन में हमें फेंटना है, क्योंकि जो इसमें बबल्स तैयार होते हैं उसे बरकरार रखने का ये अच्छा सा तरीका है। आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर के वजह से इसमें अच्छे से बबल्स भी आए हुए हैं। तो चलिए अब हम इसे मग में भर लेते हैं। तो हम बेटर को साइड करके यहाँ पे कप रख ले रहे हैं। तो एक बार आपको दिखा दे रही हूँ, ये कप जो है कॉफी कप है, ये मार्केट में पेपर कप इजीली अवेलेबल होता है, अलग अलग प्रिंटेड वाला ये मिलता है, मेरे पास ऐसा अवेलेबल था, मैं इसमें बना रही हूँ। तो ये पेपर कप है। अब हम एक चम्मच बेटर लेंगे और मग में ऐसे भरेंगे। बड़े ही सावधानी से हमें आधा आधा हम बेटर भरेंगे। आपको दिखा दे रहे हैं, कैमरा में दिखने में दिक्कत हो तो ध्यान से देख लीजिए। आधा कप हमें बेटर एक कप में डालना है। तो ऐसे ही हम सभी कप में बेटर भर लेंगे। हमने कप में बेटर को भर लिया है। अब हम चारों कप को ऐसे 2 से 4 बार टैप कर लेंगे। इससे क्या होता है, अपने बेटर्स का बबल जो है वो ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो हम इसे 4 से 5 बार ऐसे प्लेटफॉर्म पे ही टैप कर लेंगे। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। अपनी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है, तो हम एक कपड़े की मदद से पहले ऊपर का ढक्कन हटा लेंगे। यहाँ पे आप सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि एकदम ओवन की तरह ये गर्म हो चुका है। अब हम ऊपर वाले ट्रे में कपकेक को अच्छे से ऐसे शिफ्ट करेंगे। तो ऐसे हम आराम आराम से केक को रख देंगे। अब हमें क्या करना है, फिर से कवर लगा देना है। तो ऐसे हम आराम से कवर कर लेंगे। हमने अच्छे से कढ़ाई को फिर से कवर कर लिया। अब हमें क्या करना है, 10 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पे केक को बेक करना है और 30 मिनट यानी कि 30 मिनट हम स्लो फ्लेम पे इसे करेंगे। टोटल हमें 40 मिनट तक केक को बेक करना है। तो हम 10 मिनट बाद फ्लेम को स्लो कर लेंगे। 40 मिनट हो चुका है, चलिए हम अपना केक चेक कर लेते हैं। तो हम एक कॉटन क्लॉथ के मदद से ढक्कन को हटाएंगे, क्योंकि ढक्कन गर्म है। आप देख सकते हैं अपनी केक जो है एकदम फुल के कप के ऊपर तक आ गया है, दिखने में कितना प्यारा लग रहा है। हमें लग रहा है एकदम पक चुका है, लेकिन हम डाउट क्लियर करने के लिए एक टूथ पिक लिए हैं। पिक को हम अंदर तक ऐसे घुसाएंगे और फिर इसे बाहर निकालेंगे। टूथपिक एकदम क्लीन आ रहा है, इसका मतलब अपना केक अंदर तक बेक हो चुका है। तो आप भी देख लीजिए, बिल्कुल बेटर नहीं लग रहा है। हमने चारों केक को अच्छे से चेक कर लिया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और हम कवर लगा के फिर से इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर हम इसे बाहर निकाल के आपको दिखाएंगे।
5 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन हटा देते हैं। अब हम एक एक केक को बाहर निकालेंगे। तो चलिए हम एक कप केक को डीमोल्ड करके आपको दिखा दे रहे हैं कितना बढ़िया ये तैयार हुआ है। तो हम एक प्लेट ले रहे हैं, इसमें हम अपना एक कप केक रखे हैं। अब हम एक नाइफ की मदद से ऐसे इसको चारों तरफ से हल्का हल्का ऐसे छुड़ा लेंगे, फिर हम इसे ऐसे उलट देंगे और ऊपर से हम चाकू से ऐसे हल्का सा मारेंगे। तो आप देखिए कितनी आसानी से अपनी केक डीमोल्ड हो गई है। ये कप केक देखने में कितना सुंदर है, कितनी स्पंजी हुई है आपको दिखा दे रहे हैं। अब हम इसे काट के आपको दिखाते हैं। आप ध्यान से देखिए, एकदम खिला खिला कप केक तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया हमने पेपर कप में कढ़ाई में केक बना के कितनी आसानी से तैयार किया है। क्रिसमस आ गया है, बच्चे ललायत रहते हैं केक और चॉकलेट खाने के लिए। तो इस तरह से आप भी अपने घर में अपने बच्चों के लिए इजी तरीके से केक को तैयार कीजिए और बच्चों को खिलाइए। फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये कप केक की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।